हेलो फ्रेंड्स, क्या आपने मेरा पिछला वीडियो मिस तो नहीं किया? क्योंकि वो वीडियो मैंने माइग्रेन की ट्रीटमेंट के बारे में बनाया था और वो वीडियो भी लोगों को बहुत पसंद आ रहा है। आज मैं आपको जिस बीमारी को ओवरकम करने के लिए बताने जा रहा हूँ, उस बीमारी का नाम है डिप्रेशन। जी हाँ दोस्तों, आजकल की लाइफस्टाइल के कारण डिप्रेशन का होना बहुत आम बात हो गई है। तो आज हम जानेंगे कि डिप्रेशन क्या होता है और उसके सिम्टम्स और एग्जाम्पल्स, ऐसे सेलिब्रिटीज़ के जो डिप्रेशन से गुजर चुके हैं, डिप्रेशन के कॉजेस और डिप्रेशन की ट्रीटमेंट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सबसे पहले डिप्रेशन के डेफिनेशन से। दोस्तों, डिप्रेशन एक मूड डिसऑर्डर है जिससे इंसान उदास रहता है, कोई काम करने में इंटरेस्ट नहीं रहता और जिससे डेली लाइफ एक्टिविटीज़ अफेक्ट होती है। अगर कोई इंसान हमेशा उदास और चुपचाप रहता है, किसी से ज़्यादा बात करना पसंद नहीं करता है या उससे कोई भी एंजॉयबल एक्टिविटी या काम करने में इंटरेस्ट नहीं होता है, तो वो डिप्रेशन का शिकार हो सकता है। और इसका बेस्ट एग्जाम्पल है मेरा कलीग, जो कि मेरा अच्छा दोस्त भी है, जिसका नाम है रोहित। जी हाँ दोस्तों, कुछ सालों से रोहित भी डिप्रेशन का शिकार था। तो अब मैं आपको डिप्रेशन के सिम्टम्स रोहित के एग्जाम्पल से बताता हूँ। रोहित ज़्यादातर वक्त अकेला ही रहना पसंद करता था और उदास बैठा रहता था, किसी से ज़्यादा बात भी नहीं करता था और कभी कभी दूसरे फ्रेंड्स पे बिना बात के गुस्से हो जाता था। और जब हम उससे पूछते थे कि इतना गुस्सा क्यों कर रहा है भाई, तो वो बोलता था कि तुम्हें क्या मतलब है, मेरा दिमाग मत खाओ, अपना काम करो, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। मीन्स वो बात भी नहीं करना चाहता था हमसे, प्रॉब्लम शेयर करना तो दूर की बात थी। ऐसा बहुत दिनों तक चलता रहा और उसमें काफ़ी चेंजेस आने लगे, जैसे वो लिटरली एकदम अलूफ यानी अकेला सा रहने लगा और उसका काम में भी मन नहीं लगता था, कंसंट्रेशन तो बिल्कुल ज़ीरो हो चुका था और कई बार तो वो इम्पोर्टेंट चीज़ें भी भूलने लगा था। ये देखकर हमें बहुत गुस्सा आता था और चिंता भी होती थी। एक दिन मैंने उसके पापा को फ़ोन किया ये बताने के लिए कि ऑफिस में उसका बिहेवियर ठीक नहीं है। तो मैं ये सुनकर शॉक हो गया जब उसके पापा ने मुझे बताया कि ऑफिस में ही नहीं, वो घर पर भी किसी से बात नहीं करता है और बात बात में गुस्सा हो जाता है। इनफैक्ट वो उसकी वाइफ और बच्चे से भी अच्छे से बात करने में इंटरेस्टेड नहीं है और पूछने पर कुछ नहीं बताता है। उन्होंने ये भी बताया कि वो खाना भी बराबर नहीं खाता है और रात को अच्छे से सोता भी नहीं है। उसके पेरेंट्स ऑलरेडी इस बात को लेकर बहुत परेशान और टेंशन में रहते थे। तब मुझे बड़ी टेंशन हो गई क्योंकि वो मेरा अच्छा दोस्त था और दोस्त कैसा भी हो, हमें उनकी चिंता तो होती ही है। उस वक्त मुझे नहीं समझ में आया कि क्या हुआ है और क्या करना चाहिए। इस बात को करीब 3-4 दिन हो चुके और मेरा रूटीन काम कर रहा था और मैंने सोचा चलो थोड़ा न्यूज़ पढ़ा जाए। तब हेडलाइंस पढ़ने के बाद मैंने एक आर्टिकल पढ़ा जिसमें लिखा था कि बहुत से बड़े बड़े सेलिब्रिटीज़ अपनी लाइफ में कभी ना कभी डिप्रेशन का शिकार हुए हैं, जिनमें एग्जाम्पल है अमिताभ बच्चन, जो कि 1996 में जब उनकी कंपनी ABCL की प्रोड्यूस की हुई सारी मूवीज़ बैक टू बैक फ्लॉप हो रही थी, ABCL बैंकरप्ट हो गई थी, तब अमिताभ बच्चन डिप्रेशन में चले गए थे। दूसरा एग्जांपल है संजय दत्त, जब उनकी मदर की डेथ हुई थी और उनकी वाइफ कैंसर से एक्सपायर हो गई थी और उनको 1993 बम ब्लास्ट में जेल में जाना पड़ा था, तब वो भी डिप्रेशन में चले गए थे। और भी कई एग्जाम्पल हैं, जैसे दीपिका पादुकोण, अनुष्का शर्मा, ये भी सारे डिप्रेशन में चले गए थे। दोस्तों, जब मैंने वो आर्टिकल पूरा रीड किया तो पता चला कि डिप्रेशन किसी को भी हो सकता है और ऐसे रियल लाइफ एग्जांपल्स भी हैं। और एक रिसर्च कहता है कि टोटल सुसाइड केसेस में से, यानी आज तक दुनिया में जितने भी सुसाइड हुए हैं उनमें से 50% लोगों को डिप्रेशन था, यानी 50% लोग डिप्रेशन का शिकार थे। इसका मतलब डिप्रेशन वाले लोगों को सुसाइड के थॉट्स ज़्यादा आते हैं और डिप्रेस पर्सन्स ज़्यादातर सुसाइड भी करते हैं। अब जानते हैं डिप्रेशन के कॉजेज़ के बारे में। दोस्तों, जब मैंने पढ़ा कि जितने भी लोग डिप्रेशन का शिकार हैं उनमें एक चीज़ कॉमन थी और वो ये कि उनके साथ कुछ ना कुछ ऐसा हुआ था जो उन्होंने कभी सोचा ही नहीं था। एग्जाम्पल, बिजनेस में बड़ा लॉस होना, किसी अपने के मरने का सदमा बर्दाश्त न कर पाना, बचपन से किसी बात का मन में डर बैठ जाना, आपकी फैमिली में किसी को डिप्रेशन हो तो आपको भी होने के चांसेस हैं, कोई बीमारी के होने का डर, जॉब इनसिक्योरिटी, फैमिली से दूर होने का डर, ऐसी कई बहुत सारे रीज़न हैं जिनसे इंसान डिप्रेशन में जा सकता है। ये सब रीड करने के बाद मुझे समझ में आया कि मेरे दोस्त रोहित को भी किसी ना किसी बात का डिप्रेशन तो है और उसके सारे सिम्टम्स भी डिप्रेशन के ही लग रहे थे।
मैंने उसके पेरेंट्स से बात की और रोहित को वडोदरा के एक साइकेट्रिस्ट के पास लेके जाने के लिए कहा, और वो मान भी गए क्योंकि उनको समझ में नहीं आ रहा था कि क्या करना चाहिए। और जब हमने ये बात रोहित को बताई तो पहले तो उसने मना कर दिया, फिर बहुत समझाने के बाद वो मान गया। जब हम डॉक्टर के पास पहुँचे और डॉक्टर को सारी हिस्ट्री बताई तो डॉक्टर के इंटरोगेट करने के बाद उसने बताया उसके डिप्रेशन में होने का कारण। उसने बताया कि उसका रिपोर्टिंग हेड उससे बार बार फायर करने की बात कहता रहता है, यानी उसे नौकरी से निकाल देने की धमकी देता रहता है, और इसी बात के कारण उसे हमेशा टेंशन, स्ट्रेस, एंग्जाइटी और इनसिक्योरिटी लगी रहती थी। वो उसको यही ख्याल आते थे कि कहीं उसकी जॉब ना चली जाए, क्योंकि उसने बहुत मेहनत करने के बाद ये जॉब मिली थी और उसकी इसी डर के कारण वो काम में फोकस नहीं कर पा रहा था और उसका परफॉर्मेंस भी गिरता जा रहा था। और वो ये सारी बातें घर वालों को बता के उनको टेंशन नहीं देना चाहता था, इसलिए अंदर ही अंदर डरने के कारण वो डिप्रेशन में चला गया था। वो इस जॉब को जीने का मकसद समझने लगा था और जिसके कारण वो और कुछ सोच ही नहीं पा रहा था। जब रोहित ने ये सारी बातें डॉक्टर को बताई तब सारा पिक्चर हमारे लिए क्लियर हुआ और डॉक्टर ने भी एंटी डिप्रेसेंट मेडिकेशंस प्रिस्क्रिप्शन में दी। रोहित ने डॉक्टर की वो दवाई कंटिन्यूस एक महीने तक ली और हमें उसमें चेंजेस भी दिखने लगे। इवन रोहित को भी पहले जैसी एनर्जी फील होने लगी थी। मेडिकेशन के साथ डॉक्टर ने रोहित को और भी कई एडवाइस दी थी, जैसे फैमिली के साथ खुलकर बातें करना, जिसे टॉक थेरेपी भी कहते हैं, मेडिटेशन करना, हेल्दी फूड खाना और नींद पूरी करना, नेगेटिव लोगों से दूर रहना, एंजॉयबल एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट करना, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। रोहित ने डॉक्टर से एक साल यानी 12 महीने तक कंसल्टेशन और मेडिकेशन चालू रखा और फाइनली डॉक्टर के कहने के बाद ही मेडिकेशन बंद करी। और आज रोहित डिप्रेशन से पूरी तरह निकल चुका है और आज अच्छे से खुशी खुशी उसकी फैमिली के साथ लाइफ एंजॉय कर रहा है। दोस्तों, हर इंसान का डिप्रेशन में जाने का रीज़न अलग अलग हो सकता है, लेकिन किसी भी इंसान को सही रास्ता दिखाने वाला हो तो वो डिप्रेशन से बाहर भी निकल सकता है और पहले से भी ज़्यादा एनर्जी के साथ। अगर आपको किसी भी इंसान में डिप्रेशन के सिम्टम्स दिखाई देते हैं जैसे रोहित में थे, तो उसके हेल्प करें प्रॉपर गाइडेंस दे के। उम्मीद करता हूँ आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा और आपके लिए हमने थोड़ी बहुत वैल्यू ऐड की होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ, जिससे वो भी डिप्रेशन के बारे में जान सकें और होपफुली किसी की जान बचाने में हेल्प भी कर सकें। प्लीज़ सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को और नोटिफिकेशन बेल पर क्लिक करके नोटिफिकेशन ऑन कर लें, जिससे मैं आगे जब भी कोई वीडियो पोस्ट करूँगा तो आपको उसका नोटिफिकेशन आ जाएगा और आप उस वीडियो को तुरंत देख के उस बीमारी के इलाज के बारे में जान सकते हैं। थैंक यू।